नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में लोगों से अंधविश्वास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक महिला की कोबरा सांप के काटे से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं महिला की डेड बॉडी एम्बॉय हॉस्पिटल की मर्चुरी में देर शाम रखवा दी गई थी, मगर परिजन झाड़फूंक के लिए एम्बॉय के गार्डों के साथ मारपीट कर महिला के शव को ले गए। दरअसल पूरा मामला इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के बिहाड़िया का है, जहां बिहाड़िया गांव में रहने वाली रमता बाई को घर का काम करने के दौरान कोबरा सांप ने काट लिया था, जिसके बाद रमता बाई को परिजन एम्बॉय हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। वहीं रमता बाई के इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई थी। वहीं एम्बॉय हॉस्पिटल प्रबंधन ने रमता बाई की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्बॉय की मर्चुरी में रखवा दिया था, जिसके बाद परिजनों ने मृत रमता बाई को तांत्रिक क्रिया के लिए मर्चुरी में तैनात गार्डों से मारपीट कर अपने गांव ले गए। इसकी सूचना एम्बॉय प्रबंधन ने एम्बॉय चौकी पर दी, जिसके बाद एम्बॉय चौकी प्रभारी ने पूरी घटना खुड़ैल थाने पर देकर रमता बाई की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए खुड़ैल पुलिस एम्बॉय हॉस्पिटल लेकर पहुंची। पूरी दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है, मगर प्रदेश के कुछ गांव में अभी भी अंधविश्वास कायम है। वहीं ताजा मामला इंदौर खुड़ैल थाना क्षेत्र के बिहाड़िया गांव में देखने को मिला है, जहां सांप के काटने के बाद मृत महिला को परिजन जिंदा करने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेना पड़ा, मगर महिला फिर से जिंदा नहीं हो पाई। बड़ी बात यह है कि इस देश से अंधविश्वास कब खत्म होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। घटनाक्रम ऐसी है कि ये लोग आए थे यहाँ पर 5 बजे लेकर इलाज के लिए, तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसको चेक करने के बाद तो ये तांत्रिक विद्या करवाने के लिए जबरदस्ती यहाँ से लेके चले गए। गार्ड और को अपन अपने थाने के जवान को इनको झुमा झटकी करके लेके चले गए कहीं तांत्रिक विद्या करवाएंगे करके। तो इसका नाम है रमता बाई पति करण, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम बिहाड़िया, थाना खुड़ैल, जिला इंदौर की। उसके बाद फिर खुड़ैल थाने वालों संपर्क करके चौकी कंपेल को बता के वहाँ के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वगैरह ये घर गए, उनसे घर से फिर डेड उनको लेकर आए। डेड बॉडी घर पे पहुँच गए थे ये लोग। हाँ, कई जगह तांत्रिक विद्या करवाएंगे, अभी ये मरी नहीं है बोले तो जिंदा हो जाएगी, बोले सब ठीक हो जाएगी। हाँ, मनोहर बघेल, MYH चौकी भाई। फिर ऐसा पता चला यहाँ पे सब कुछ हुआ, उसके बाद कुछ नहीं है कहीं यहाँ चले। पहले वहाँ गए 10 मिनट वेट करा, वेट कुछ नहीं हुआ, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके आ गए, हॉस्पिटल से भाई आ गए। कोई नहीं हुआ वहाँ पे, कोई असर नहीं हुआ। और वैसे वो बोल रहे थे कि ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा होगा 20,000 रुपये महीने रोज के लगेगा। हमने बोला बोला गारंटी लोगे क्या, तो हमने बोला कोई गारंटी नहीं है, तो हमको लगा कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट MYH आ गए। ऐसा आनंद हॉस्पिटल हाथ पे काटा था, कोबरा करके सांप था शायद, बताने वाले बता रहे कोबरा सांप। आपको लगते हैं दोस्तों में क्या घटना हुई, कैसे क्या सांप ने काटा था इनको? ये मतलब साफ सफाई कर रहे थे, और मतलब है ना कि अलमारी वलमारी खोली तो उसके नीचे सांप था, तो मतलब वो अचानक हाथ में काटा आवाज आई, तो हम ले गए, लाए, उधर उधर करा, देखा तो मतलब शाम को ऐसा हो गया हमारे साथ। मतलब पहले तो देखा है अपने, मतलब अस्पताल ले गए थे, उधर उधर देखा है, तो बोले कहीं लिया नहीं, फिर यहाँ लाए थे। हाँ, करवाई थी बाबू जी, ये उधर गाँव में। ये तो नहीं मालूम बाबू जी, अब वो तो वही जाने बाबू जी, पहले झाड़ा फूकी करवाई थी, फिर अस्पताल ले गए। कल की बात है बाबू। क्या नाम था इनका? रमतू भाई। महिला है ये? हाँ। क्या उम्र थी इनकी? 35 साल। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बिहाड़िया फटा। कहाँ था ये? ये सनौजे के आगे। कौन सा थाना लगता है? ये खुड़ैल। कौन कौन था महिला के परिवार में? मैं था, मेरी बच्ची थी, मेरी बहू थी, और मतलब और पड़ोस में जो रहते हैं। साफ सफाई कर रही थी दीपावली की? हाँ। आप कौन हैं? मैं उनका पति हूँ। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करवाने ले गए थे, फिर उससे ठीक नहीं हुई, फिर अस्पताल लाए। कहाँ अस्पताल कहाँ था? पहले तो आनंद का, ये मालिक बाग वाला। मतलब तबीयत बिगड़ती गई थी तो वो काम में कायदे करते झाड़ा पोती वो बाबू जी अपने पीपल के नीम के पत्ते से। अच्छा, तो कितनी देर रखा था उन्होंने वहाँ पर झाड़ा पोती? कोई समय नहीं, जैसा है कि वहाँ पे कोई समय 10 मिनट हमने बताया डायरेक्ट, फिर हमको कुछ नहीं हुआ, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।